हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। क्या चाल है मेरे भेले को? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जिस जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाके पहले सब्सक्राइब करो और प्रेस बेल आइकन। कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो यार आज जो है हम लोग एक क्या हो गया, क्या हो गया? मुलाजिम का खाना बन गया, मुझे नहीं जाना। चिट्टे गूं लख लानत, ऐसे डरा दिया से पता नहीं क्या हुआ आगे, एकदम पीछे से दांत निकाल रहा आगे से है, एकदम डरा दिया। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से नहीं था कह सकता, आराम से नहीं था कह सकता, शर्म तो नहीं आ रही? तो गाइस मोहम्मद अली कह रहा है कि मुलाजिम का जो है वो खाना बांध दिया मामा ने, तो वो दे आओ। तो अभी हम चलते हैं डेरे पे। तो हाँ, आप लोगों को बताना ही मैं भूल गया कि हम लोग एक नई गाय लेकर आए हैं और उसका जो बच्चा है वो बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर का खूबसूरत बच्चा है उसका, ठीक है, इसकी तरह मोटू मोटू सा। तो वो मैं, आप चलते हैं डेरे पे, वो आपको गाय भी दिखाता हूँ और उसका बच्चा भी दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। आशिर खान नाम है लिखा हुआ था यहाँ पर, ऊपर वजन रख रख के ना, तो ये सारा मेरा नाम खराब हो गया इसके ऊपर। दोबारा से इसको जो है ना दोबारा से प्रिंट करवाएंगे, दोबारा से नाम लिखवाऊंगा साफ साफ। तार भाई क्या हाल है आपका? ये क्या कर रहे हो आप? देखना कभी इधर ही ब्रेक डांस शुरू हो जाए आपका, मीटर के अंदर पंगे ले रहे हो। है तार भाई थोड़ा महकमा ही है वे, मुंह नाल छिलो फिर तार नू पता लगेगा तुम। ये तीन ओ नचन लग पैना तुआ रात रात को यार। हाँ रात को आंधी बहुत आई है और हवा चली है जिस वजह से रात को काफ़ी तारें टूट गई हैं, ठीक है, और फसल भी जो है ना काफ़ी गिर गई, जैसे ये थोड़ी सी आपको सामने नज़र आ रही होगी गिर गई है। तो अभी आपको डेरे वाली फसल भी दिखाता हूँ, पुल के ऊपर से जाके मेन से जो गिरी हुई है। रात के मौसम बारिश के बाद जो है सूरज जो है वो इस टाइम कह रहा है कि मैं ही हूँ, और गर्म गर्मी एक दफ़ा ठंड हो गई रात को और गर्मी हो गई अचानक से। पिंड का नज़ारा, एक दिन बारिश 10 दिन गारा। ये हमारे गांव का जो पुल है ना उसके साइड से ये रास्ता जाता है ये हमारी फसल की तरफ, ठीक है। मैंने अभी जिस तरह आपको बताया ना कि रात को हवा चली है, तूफान आंधी आई है, तो हमारी फसल देखें कैसे लेट गई है ज़मीन पे। अल्लाह पाक करम करे, लेकिन अभी इस फुल ज़मीन के साथ नहीं लगी लेकिन गिर गई है, क्योंकि ये जब गिर जाए ना तो नुकसान भी है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि ये ज़मीन के साथ लग जाए और ऊपर से पानी आ जाए तो जो है ना सिट्टा जो होता है, दाना जो होता है गंदम का दाना, वो ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए ये ना गिर गई है फसल। वो सामने डेरा है हमारा, वो सामने डेरा गेट वाला, और ये बैक साइड पे पहली है, इधर मेन रोड से आता है रास्ता, ठीक है, और ये जो है ये फसल अलावा करम करेंगे। बारिशें वगैरह होती है ना, बारिशों का सीज़न आता है तो ये फुल भरा हुआ होता है पानी का, तो वैसे घास कितनी मजी, हम यहाँ पर फुटबॉल खेलने आते थे, इतनी सी जगह पर पानी है, बाकी सारा का सारा सूखा हुआ है, वो सारा सूखा हुआ है, बस इतनी सी जगह पर पानी है ये, तो हम लोग उस जगह पर फुटबॉल खेलते थे, तो ब्रीक ब्रीक घास है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था फुटबॉल खेलने का। चलो आप डेरे पे चलते हैं। तो गाइस मैं डेरे पे आया हूँ, इकराम जो है ना वो सो रहा है। ओला उसने आवाज़ से उठ गया यार, मैंने इसका खुद ही उठाना था, ये आवाज़ हमारी आवाज़ सुन के ना उठ गया। क्या हाल है इकराम साहब? वेरी नाइस जबरदस्त। बाबा जी आप सुनाए, ठीक है? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की रहमत है, खाना खाने लगे हैं भाई, खाना खाने लगे हैं भाई बाबा जी, रोटी लगे हैं खान, रोटी लगे हैं खान बाबा जी। हाँ जी हाँ जी, ए कर दो मेरे हिसाब से वैसे 10 मिनट रोटी जड़ी है ना लेट हो गई है साड़ी। ओ बाबा जी माजरत उसके लिए, 10 मिनट रोटी जो है ना वो लेट हो गई आपकी, उसके लिए माजरत, तो कल से दोबारा टाइम से आ जाएगी। यस ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया बाबा जी। आज तो मैं हूँ जल्दी में, ठीक है, अब कल जो व्लॉग बनाना है ना उसके अंदर आपने बजाना है अपना ढोल, ठीक हो गया, ठीक है यस। बाबा जी जो है ना वो ढोल बहुत मजे का बजाते हैं, ठीक है, जब ये ढोल बजाएंगे आपको ढोल डगा सुनाएंगे इनका, ओए होए होए क्या बात है, मजा आ जाएगा यार। ढोल ऐसा बजाऊंगा इंशाल्लाह कभी भी किसी के साथ ऐसी चाट नहीं सुनी होगी ढोल की जैसी मैंने बजाई। तो बाबा जी ना सुबह जो है ना वो जब सैरी में उठाते हैं, आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि सैरी में उठाते हैं ढोल बजा के, तो कमाल का ढोल बजाते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसे ढोल बजाएंगे, वो बाबा जी का ढोल रखा हुआ है, ठीक है, तो कल जो व्लॉग बनाएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। गाइस जैसा मैंने आप लोगों को बताया था ना अभी कि हमने लिए नई गायें, ठीक है, वो मैं आपको गायें दिखाता हूँ, चलो पहले तो आपको दिखाता हूँ गायें, फिर उसका बच्चा दिखाऊंगा, बच्चा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, धूप के अंदर चमक रहा है,
पहले आपको मैं गायें दिखाता हूँ, ये देखें, ये तो हमारी पहले पुरानी गायें हैं, तो ये जो है ना ये हम गायें लेके आए नहीं, ठीक है। आप कमेंट में बताएं ये गायें कितने तक की होगी, ठीक है, ये आप कमेंट में बताएं गायें कितनी होगी। ओए टक्कर मार दी इसने, ओए इसने यहाँ टक्कर मारी है मुझे। अच्छा ये गायें हैं हमारी, ठीक है, बहुत ही प्यारी गायें हैं, ब्लैक कलर, ठीक है। अभी इनको हमने टाइम से चारा डाल दिया ताकि ये पट्ठे वगैरह खा लें और इनका टाइम से दूध निकाला जाए। गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बच्चा, बच्चा बच्चा जो है बच्चा ये रहा, ये रहा, ये बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा देखने में आप लोगों को लगेगा ये भैंस का बच्चा है, लेकिन ये भैंस का नहीं है, ये गाय का ही है, ठीक है। ब्लैक कलर, प्योर ब्लैक, ये देखो शाइन 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 किस तरह कर रहा है, ये देखो शाइन कर रहा है ना। इसको खड़ा करता हूँ, ये देखो छोटा सा फेस है इसका, ही मिट्टी लगी हुई नोज़ पे, ये देखो बिल्कुल प्योर ब्लैक, कोई वाइट कलर नहीं, सिर्फ पेट के नीचे थोड़ा सा वाइट का वाइट सा कलर है, बाकी प्योर ब्लैक। अब मैं इसको उठाता हूँ, आप तब देखें। पप्पू बेटा उठो, पप्पू बेटा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, गाइस ये खड़ी होगी, खड़ी होगी, खड़ी होगी, खड़ी हो जाओ। असल में ये है लड़की लड़की है ये लड़की, अभी कमज़ोर है, कमज़ोर है ना अभी, दरअसल कल अभी गाय ने बच्चा दिया, ये जो है ना गाय ने कल बच्चा दिया और कल ही हम गाय खरीद के ले आए यहाँ पर, तो अभी जो है ना वो उठने में थोड़ी मुश्किल होती है। अब थोड़ा दूध छूद पिएगी, हम इसको दूध छूद पिलाएंगे तो ज़रा मजबूत होगी ना, फिर खड़ी होगी। आप लोगों को जो है ना मैं अपने डेरे के ऊपर जो हमारे बाबा जी हैं जैसे कराम, उनकी भी गाय का बच्चा दिखाता हूँ, वो भी बड़ा खूबसूरत है, उनकी गाय ने भी बच्चा दिया, ये रही गाय और ये रहा उसका बच्चा। चाचा कितने दिन हो गए इसको भला? आज हाँ भैया इसको 20 दिन हो गए इस बच्चे को, तो ये देखो ये भी कितना क्यूट है, वो देखो गायें कह रही मेरे बच्चे के पास क्यों आ रहे हो, उसके बच्चे के पास जा रहे हैं, वो कह रही क्यों आ रहे हैं मेरे बच्चे के पास, वो देखो वो देखो वो कह रही है टक्कर मारूंगी अगर मेरे बच्चे को हाथ लगाया, ये देखो वो देखो वो देखो वो देखो ये देखना इसका बच्चा, ये थोड़ा सा ना दूध शूद पिया ना इसने, तो ये सेहतमंद हो गए भाई, ये देखो उसे हाथ लगा रहे हैं, छलांगे लगा रहा है। तो अभी जो है हमारी गाय का जो बच्चा है ना वो भी उसने कल दी है, जिस वजह से अभी वो थोड़ा सा कमज़ोर है, उठने में तंगी होती है उसे, तो जब वो इसकी तरह दूध पिएगा वो भी भागना भागेगा अच्छी तरह, ये देखना वो ये देखना इसको मैं हाथ लगाते गाय का रिएक्शन देखना, कर रही है क्यों कर रही है इस तरह, बच्चे बच्चे ने हाथ लाया, वो देखो अच्छा भी बता रहे हैं कि बच्चे को हाथ लगाने, कहती मेरे बच्चे को ना हाथ लगाओ, उसका बस ना चले चाचा उसको किले पे से खोलें और वो मुझे आगे टक्कर मारे यहाँ पर, सिर्फ मेरे कले तो बगैर नहीं किसी ने आंधी, सिर्फ चाचा जी को कुछ नहीं कहती बाकी हर बंदे को कहेगी, ये देखना अच्छा ये देखा ये देखो तो गाय इकराम जो है ना वो पट्ठे डाल रहा है अभी, ठीक है इकराम ये बाबा की गाय मुझे टक्कर क्यों मार रही है, वो कहती है कि तुम मेरे पास लगो मैं तुम्हें फिर बताती हूँ, तुम मेरे बच्चे को छेड़ते हो, उसके बच्चे को छेड़ते हो पास लगो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो इकराम जो है वो पट्ठे डाल ले, ठीक है, तो फिर हम चलते हैं घर, घर के अंदर देखते हैं क्या सीन चल रहा है। इकराम जो है वो पट्ठे डाल रहा है, तो दो भैंसों को उसने डाल दिया, तो वो जो दो भैंसें हैं वो खा रही हैं, बाकी दूसरों को भी वो डाल करना तो बांध देगा, ये देखो ये खा रही हैं, इधर भी उसने वो उस वक्त उधर डाल दिया कुर्बानी का जो जानवर है कट्टा बेड़ा जो है उसको डाल दिया, तो वो उसको डाल दिया, उसको लाके बांधेगा, इन गायों को डाल लेता सबसे पहले क्योंकि ये गाय कल नहीं लाए हैं और ये नई जो है ना दूध देना शुरू हुई है, तो इसलिए इसको जल्दी डाल देते हैं इन दोनों को, तो अभी इनको और डालेंगे, तो अभी हम चलते हैं घर देखते हैं क्या। मैं आ गया हूँ घर, ऊपर चलते हैं। तो गाइज मैं जो हूँ इधर बैठा हूँ, समझ नहीं आ रही क्या करें, बोर हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मोहम्मद अली का रिजल्ट आया, थर्ड पोजीशन आई है मोहम्मद अली की, पास हो गया है, थर्ड पोजीशन अवार्ड भी है, मोहम्मद अली का अवार्ड भी मिला है आज, उसको लिखे लेके बाबा और मामा जाके उसका रिजल्ट ले हैं, उसको पता ही नहीं है, उसको ये पता था मेरा रिजल्ट ना, लेकिन हमने उसको बताया था कि कोई भी नहीं गया, तो थर्ड पोजीशन आई है, अब हमने उसको बताना है कि मोहम्मद अली फेल हो गया, उसके साथ प्रैंक करना है। हाँ। किधर है वो? ड्राइंग रूम में। अच्छा मोहम्मद अली जो है ड्राइंग रूम में बैठा है, मोबाइल चला रहा है ना, भाई ये सही बन गया भाई, वो मोबाइल चला रहा है, उसको जाके डराना है अब कि ले मोहम्मद अली तो फेल हो गया, ठीक है उसका रिजल्ट ये पकड़ो, ये छुपा ये छुपा नजर नहीं आना चाहिए, ये दिखाओ इधर, ये रिजल्ट रिजल्ट कार्ड मुझे पकड़ा दो ना, मैं खोल के देती हूं, हां रिजल्ट कार्ड मेरे हाथ में है, ठीक है। तो अब उसको जो है हमने दिखाना है कि मोहम्मद अली फेल हो गया, तेरा मोबाइल बंद, बाइक बंद, सब कुछ उसे दिखाना नहीं है, बस दिखाना है कि तू फेल हो गया। जा तुम ड्राइंग रूम में देखता हूं मोहम्मद अली को, ये रहा मोहम्मद अली। हेलो क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा। गेम खेल रहे थे?
आज क्या डेट है? 31. आज क्या था? ओए हाँ जी, क्या था आज? फेल हो गया तू आज से मुरली, तेरा मोबाइल बंद है, तू फेल हो गया। इधर दे मोबाइल। क्या फेल? हाँ जी आप फेल हो गए हो। नहीं जी झूठ बोल रहे हो, कोई गेम रिजल्ट है? हाँ जी हाँ जी, मामा और पापा के अच्छा रिजल्ट है। नहीं हाँ जी, आप झूठ बोल रहे हो, फेल हो गए हो। आप झूठ बोल रहे हो। आज से तेरी बाइक भी बंद, तेरे पैसे भी बंद, तेरा मोबाइल भी बंद, कोई गेम नहीं, कोई चीज नहीं। ये कहता था ना पढ़ना है। झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ मैं? थप्पड़ पड़ेगा मुंह पे। हाँ जी गए थे लेने, मामा और पापा गए थे लेने, जब आज डस के गए थे ना, गए थे ना डस के। डस के गए थे ना आज मामा और पापा? मुंह से बोलो, गए थे ना डस के? ऊपर देख, डस के गए थे ना मामा और पापा? आज से तेरा मोबाइल बंद, तेरी बाइक भी बंद, तेरे पैसे भी बंद। अभी तो पापा ना बड़े गुस्से में है, अभी मैं फेंटी लगाने का दिल कर रहा तुझे, जब मैं कहता था ना पढ़ ले, पहले कहता था रिजल्ट आएगा फिर देख लेना, अब आ गया रिजल्ट। पापा बड़े गुस्से में है और पापा तुझे बताएंगे, अभी ऊपर जाना जरा, बताएंगे पापा तुझे, बड़े मजे से यहाँ गेम खेल रहे। पापा ढूंढ रहे मुरली किधर है। इसका रिजल्ट दिखाओ जरा इधर, ये देख अपना रिजल्ट, यही है ना, यही है ना रिजल्ट, फेल हो गया। ओए मोहम्मद अली, प्रैंक हो गया मोहम्मद अली के साथ, मोहम्मद अली के साथ प्रैंक हो गया, और रोने लग गया मोहम्मद अली, मोहम्मद अली के साथ प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया, बिल्लू के साथ मेरे की गोद में बैठ गया, मोहम्मद अली के साथ प्रैंक हो गया, फेल हो गया। अजन पास हो गए हो, कुछ ही देखो इसके पूरे, पास हो गए, पास हो गए, ये देखो आपका वार्ड, ये देखो पास हो गए, पास हो गए आप। हाँ जी मिठाई कदों खवानी है मोटू? दस मिठाई कदों खवानी, दस हूँ दस, फटाफट मिठाई कदों खवानी है? हैं पास हो गया तू, दस हूँ फटाफट कदों खवानी मिठाई? वैसे क्या हो रहा जब मैंने आपको कहा कि आप फेल हो गए? पापा से मार पड़नी थी, और जो मेरे से भी पढ़नी थी। अगर नहीं ना पड़ेगा तो अच्छी खासी पड़ेगी मेरे से, ये देख रहा ना थप्पड़ मुंह पे पड़ा करेंगे थप्पड़। वैसे क्या हो रहा था मुंदली? दिल धक धक हो रहा था, दिल धक धक हो रहा था, अभी खुशी देखो कितना है, अभी अभी इसके आंसू निकल आए थे और अब देखो कैसे खुश हो गया। भाईजान अगर नहीं ना पड़ेगा, रिजल्ट ना अच्छा आया, नेक्स्ट टाइम थर्ड पोजीशन क्यों आई है ये बता मुझे, नहीं ना सही से तैयारी की थी? पास क्या थर्ड पोजीशन आई है? मैं सेकंड फर्स्ट पोजीशन लाता था, और कॉलेज के अंदर जाते समय मुझे मेरा अवार्ड देखा ना ऊपर, अवार्ड देखा ना ऊपर, जो मेरा कॉलेज का अवार्ड पड़ा सबसे पहले फर्स्ट ईयर का बेस्ट परफॉर्मेंस का, भंगड़ा डाल रहा है। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए। क्लास में हुआ तू? मैं 7 मोहम्मद 7 क्लास में है, माशाल्लाह थर्ड पोजीशन आई है इसकी, ठीक है। लेकिन इसको मैंने कहा है नेक्स्ट टाइम जो है ना इस और अच्छा रिजल्ट आए इसका, ठीक है, और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आना है, फर्स्ट पोजीशन लेके आनी है फर्स्ट टाइम, ठीक है, प्रॉमिस प्रॉमिस। मोहम्मद अली जो है ना प्रॉमिस किया है कि फर्स्ट टाइम जो है ना मैं फर्स्ट पोजीशन लेके आऊँगा। तो अभी चलो खेल लो गेम, याशी कुटो, अगर ये हो जाता फेल, इसको मैंने इधर उल्टा लटका देना, पापा से अलग मार पड़नी थी इसको। आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। मोहम्मद अली के साथ आज प्रैंक हो गया रिजल्ट का, तो फिर से गेम खेल रहा है, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, मोबाइल रखो उधर, बंद करो मोबाइल को। हाँ जी तो वैसे कैसा लगा प्रैंक? मेरे सांस बंद हो गए तो प्रैंक था ये। सांस बंद हो गए थे प्रैंक था। तो आज की वीडियो जिसको अच्छी लगी हो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। खुश रहो, खुशहाल रहो। आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.